हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम की सब्जी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और सिंपल है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मटर मशरूम बनाने की सामग्री है 10 से 12 मशरूम है। मशरूम को हमने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हमने इस तरह से कट कर लिया है। एक कप मटर है, ताज़ा मटर, जिसे हमने बॉईल कर लिया है। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कप काजू का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, एक कप टमाटर प्यूरी, तीन बड़ा चम्मच तेल, पानी, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, दो बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, दो छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। चलिए बनाना शुरू करते हैं मटर मशरूम की सब्जी। कढ़ाई गरम हो गई है, तेल डालेंगे। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। कटा हुआ प्याज डालेंगे और ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए अच्छा ब्राउन होने तक भून लिया है। इसी तरह से ब्राउन करना है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिलाएंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने एक मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम दो चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालकर हमने अच्छे से मिला लिया है। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी डालेंगे, काजू का पेस्ट डालेंगे, मिलाएंगे और तेल अलग होने तक भूनेंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। कवर करके हम धीमी आंच पर भूनेंगे। बीच बीच में हमने चलाते हुए मसालों को अच्छे से भून लिया है। मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम बॉईल किया हुआ मटर डालेंगे, मशरूम डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मशरूम और मटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम एक कप पानी डालेंगे, मिलाएंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हम कवर करके 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। सब्जी को हमने 10 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। गरम मसाला को हमने अच्छे से मिला लिया है। मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। गर्मा गर्म मटर मशरूम की सब्जी बनकर तैयार है।
इस सब्जी को आप नान, चपाती, चावल के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।